Hello everyone, I welcome you to the first session of Current Affairs Rapid Fire Dose program. Initiate किया गया है ये program to finish off important current affairs news targeting exams of 2020. 2020 के सारे exams के लिए जो current affairs news critical होंगे हम cover करेंगे along with expected questions. और आज फर्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स 2019 जो रिलीज किया गया दिसंबर लास्ट वीक में, दिसंबर 27 को रिलीज किया गया और स्टेट का परफॉर्मेंस इसमें बताया गया ऑन द एसडीजी इंडेक्स. तो आप देख सकते हैं नीति आयोग पब्लिशेस दिस इंडेक्स और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 16 गोल्स हैं, 17 टोटल गोल्स हैं, उसमें 16 गोल्स का असेसमेंट स्टेट वाइज. ये साफ साफ एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, स्टेट्स के बीच में कंपटीशन जनरेट करना है ताकि वो बेस्ट अचीव करें. केरला इसमें टॉप स्लॉट पे है 70 स्कोर के साथ में और बिहार लास्ट स्लॉट पे है 50 स्कोर के साथ में. इसमें हाईएस्ट स्कोर 100 हो सकता है. आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल न्यूज. तो ये है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने इनिशिएट किया 2016 से 2030 के लिए. इसमें सारे कंट्रीज को टारगेट्स अचीव करने हैं इन 17 एरियाज में. इनफैक्ट यूएन ने इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDG) का कंसेप्ट इनिशिएट किया था जिसमें 8 टारगेट्स दिए गए थे ईयर 2000 से 2015 के लिए. उसी को रिप्लेस किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने. आप देख सकते हैं 17 टारगेट्स, 17 गोल्स यहाँ पे. पहला गोल नो पॉवर्टी बाय 2030, सेकंड जीरो हंगर अचीवमेंट, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ गोल जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ गोल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ गोल अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ गोल डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ गोल इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ गोल रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, रिच और पुअर का गैप कम करना है इसमें, इलेवेंथ गोल सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हैबिटेट जो हमारा लिविंग प्लेस है उसे ठीक करना है, ट्वेल्थ गोल रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसमें वेस्ट रिड्यूस करना है, रिसाइकल पे फोकस करना है. नेक्स्ट एसडीजी नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन जो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन या एसिड रेन या बाकी क्लाइमेट में जो भी खराब परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए एक एक्शन लेने के लिए टारगेट्स दिए गए हैं. नेक्स्ट एसडीजी नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर यानी मराइन एरियाज, ओशनिक एरियाज के लिए टारगेट्स. नेक्स्ट एसडीजी नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, बायोडाइवर्सिटी एनिमल और प्लांट्स को लेकर फोकस टारगेट्स कंट्रीज को. एसडीजी नंबर 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड लास्ट गोल इज पार्टनरशिप फॉर अचीविंग ऑल द गोल्स. तो आप देख सकते हैं 17 गोल्स हैं, इसमें 169 टारगेट्स दिया है यूनाइटेड नेशंस ने और यही 17 गोल्स इंडिया को भी मिले हैं. और 2030 तक अगर टारगेट अचीव करना है तो इंडिविजुअली स्टेट्स को टारगेट्स अचीव करना होगा. और यही वजह है नीति आयोग लेकर आया है एक इंडेक्स, कंपटीशन प्रमोट करने के लिए स्टेट्स के बीच में एक पॉजिटिव कंपटीशन. और आप देख सकते हैं ये ऑल द 17 गोल्स कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक फील्ड, सोशल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, एनवायरमेंटल फील्ड. ओवरऑल जो कॉमन पीपल हैं डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके ओवरऑल लाइफ को चेंज करना है 2030 तक. तो ये एसडीजीज हैं और यही एसडीजीज ने रिप्लेस किया था एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को जो यूएन ने ईयर 2000 से 2015 तक दिया था. आप देख सकते हैं इसमें 8 टारगेट्स हैं. फर्स्ट टारगेट इसमें था एराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, सेकंड था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड था प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस। फोर्थ था रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसे कम करना है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। फिफ्थ इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, तो इसमें भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स रिड्यूस करनी है। सिक्स्थ कॉम्बैट इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड HIV एड्स एंड मलेरिया, तो हेल्थ पे फोकस्ड ये MDG नंबर 6 था। सेवेंथ एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को लेकर ये गोल दिया गया था। एंड 8 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, तो यहाँ 8 गोल्स इनको रिप्लेस किया 17 गोल्स ऑफ SDG ने। तो यूपीएससी प्रीलिम्स या बाकी एग्जाम्स के लिए तैयार कर लीजिएगा SDG के गोल्स और MDG के गोल्स में क्या फर्क है, कौन कौन से एक्स्ट्रा गोल्स एडअप हुए हैं SDG में। तो इसी को लेकर नीति आयोग ने जो इंडेक्स पब्लिश किया उसमें केरला, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा एंड सिक्किम ये टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं। इनको फ्रंट रनर्स कहा है नीति आयोग ने, फ्रंट रनर्स। इसमें हाईएस्ट स्कोर 100 था, इसका मतलब था 2030 तक का टारगेट अचीव कर लेंगे स्टेट्स, लेकिन कोई भी स्टेट 100 अचीव नहीं कर पाया है, आप देख सकते हैं। वहीं बॉटम स्टेट्स में बिहार है, झारखंड है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं अरुणाचल एंड मेघालय। टॉप 5 यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ और पौंडीचेरी ये भी फ्रंट रनर ग्रुप में है अलॉन्ग विद दीज स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को के ऊपर पैरामीटर्स बनाया है नीति आयोग ने, इंडिविजुअल पैरामीटर्स, और इसी पे कंपोजिट स्कोर दे रहा है और इसी स्कोर्स का मीन निकालकर और इंडिविजुअल स्टेट का स्कोर निकाला जा रहा है। इसमें 100 का स्कोर इंप्लाई करता है दैट द स्टेट इज ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग द टारगेट सेट फॉर 2030। अमंग द 16 SDGs आप देख सकते हैं मराइन इकोसिस्टम, दैट इज SDG नंबर 14। ये केवल उन स्टेट्स के लिए जिनका कोस्ट लाइन है, समुद्र का तट है, तो ये भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे। हाउ मेनी स्टेट्स हैव अ कोस्ट लाइन इन इंडिया, यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल निकाले जा सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल स्टेट्स, तमिलनाडु ने नो पॉवर्टी में रैंक 1 अचीव किया, गोवा ने 0 हंगर में, केरला ने गुड हेल्थ में, हिमाचल ने क्वालिटी एजुकेशन में, हिमाचल ने अगेन जेंडर इक्वालिटी में, आंध्रा ने क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में, सिक्किम ने क्लीन एनर्जी में, तेलंगाना ने डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में, गुजरात ने इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, तेलंगाना ने अगेन रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज में, गोवा ने अगेन सस्टेनेबल सिटीज एंड हैबिटेट एंड कम्युनिटीज में, नागालैंड ने सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में, कर्नाटक ने क्लाइमेट एक्शन में, मणिपुर ने लाइफ ऑन लैंड में एंड आंध्र प्रदेश एंड गुजरात ने पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स जो कि फ्रंट रनर्स हैं फील्ड्स में, वो देख लीजिएगा यहाँ से प्रीलिम्स के लिए। नागालैंड का देख लीजिएगा एंड मणिपुर का। तो केरला के अलावा हम लोगों ने देखा था टेबल में हिमाचल प्रदेश का स्कोर सेकंड स्पॉट पे है 69 के साथ में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना फॉलो एंड दे शेयर द थर्ड स्पॉट विद 67 मार्क्स। आफ्टर दैट सिक्किम, गोवा एंड कर्नाटका आर इन द सेम ग्रुप, और इसे कहा गया 65 to 99 फ्रंट रनर्स का ग्रुप, मैंने बताया था अभी। और इनके अलावा चंडीगढ़ और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज भी इसी ग्रुप में हैं। नीति आयोग कुछ और भी इंडेक्सेस पब्लिश करता है और ये भी प्रीलिम्स यूपीएससी में या बाकी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, याद कर लीजिएगा। सेकंड कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी याद कर लीजिएगा। थर्ड हेल्थ इंडेक्स इनिशिएटिव एंड लास्ट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इनिशिएटिव। ये सारे इंडिसेस हम सेपरेटली देखेंगे जब जब इसका रिपोर्ट करंट अफेयर्स में न्यूज़ में आएगा। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए द नेम ऑफ दिस इंडिसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिफोर फिनिशिंग ऑफ लेट्स सी expected areas of questions from Niti Aayog SDG Index। पहला difference in the goals of MDG and SDG। मैंने बताया यहाँ पे 8 goals थे, यहाँ 17 है with 169 targets। ये 17 goals और 8 goals में फ़र्क क्या है देख लीजिएगा। Second, sustainable development goals कब formulate किए गए और कहाँ formulate किए गए। United Nations ने formulate किया इसको। Summit का नाम देख लीजिएगा, हम सेपरेटली देखेंगे इसको क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में। थर्ड, इंडिसेस पब्लिश बाय नीति आयोग। कौन कौन से इंडिसेस पब्लिश करता है, इसमें स्पेशली कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली 17 गोल्स ऑफ एसडीजी, पूरे याद करने जरूरी हैं। उसमें 16 गोल्स पे नीति आयोग ने असेस किया है स्टेट्स का परफॉर्मेंस। लास्ट गोल था पार्टनरशिप फॉर अचीविंग द एसडीजी, उसके लिए केवल क्वालिटेटिव असेसमेंट हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट क्रूशियल है दैट ऑफ द 17 गोल्स ओनली ऑन 16 गोल्स द नीति आयोग हैज टेकन आउट द एसडीजी इंडेक्स। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।